हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 76। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है जस्ट बिकॉज यू आर इन अ सूप डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू ज्वाइन यू। क्योंकि आप गर्म पानी में हैं, यू आर इन हॉट वाटर और आप डूब रहे हैं, एक्सपेक्ट मत करिए कि लोग भी आपके साथ डूबेंगे। और ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई लोग आपको वादा करेंगे, आपसे वादा करेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे कि दे आर विथ यू, दे आर लॉयल टू यू, दे आर डिवोटेड टू यू, दे लव यू बियॉन्ड अर्थ एंड बैक, जान से भी ज़्यादा प्यार करना, वो सब फिल्मी डायलॉग जो है वो मारेंगे ज़रूर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बचाने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी को संवारने वाले हैं, उनको और बेहतर बनाने वाले हैं, उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। दे आर सो श्योर दैट यू विल ब्रिंग मीनिंग टू देयर लाइफ्स कि वो अपना डिवोशन आपको सरेंडर करते हैं, दे सरेंडर देमसेल्व्स टू यू। वो वादा करते हैं कि वो आपके साथ ही निभाएंगे और आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके हर सुख में हर दुख में आपका साथ देंगे, ऐसा वो कहते हैं, बिकॉज दे आर श्योर that you are stronger than them and that you will hold them and comfort them and support them, ऐसा उनको ऐसा लगता है। लेकिन आप भूल रहे हैं सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके हेल्थ का प्रॉब्लम है, उनके फैमिली का प्रॉब्लम है, उनके पैसे का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, सबके पास अपना अपना प्रॉब्लम होता है। जब वो कहते हैं कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, उनको ये पता नहीं था कि ये सारे प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड रहेंगे और उनके उनको उसको भी झेलना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। ये कई बार उनको ये भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हो। ये बहुत मैंने अच्छा सेंटेंस लिखा है इस बुक में, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये बुक आपको याद है ना, एंगर इज गुड, ये बुक जो पब्लिश होने वाला है इसमें लिखा है, बट वेन दे रियलाइज दैट यू आर एज ह्यूमन एज देम एंड डेफिनेटली मोर फूलिश, दे आर कंपेल्ड टू विथड्रॉ देयर सपोर्ट एंड प्लेज देयर लॉयल्टी एल्सवेयर। तो जब भी वो देखते हैं कि आप उनके जैसे ही ह्यूमन हो और आप उनसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि ऑनेस्टली बेवकूफ़ी है ना जो अपने आप को एक मेस में, गर्म पानी में या सूप में डुबाता है, वो तो खुद बेवकूफ़ी है। तो उनको सली रियलाइज़ जब होता है कि अरे ये आदमी तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये क्या मुझे राह दिखाएगा, ठीक है, जबकि ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको राह दिखाऊं, तो दैट्स द टाइम व्हेन दे गिव अप देयर लॉयल्टी एंड दे कैन नॉट सपोर्ट यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। दे रियलाइज़ कि आपके साथ जुड़े रहने से ये खुद भी डूब जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई है। और ये सीरियसली, ये मेरे यहाँ लिखा है कि पीपल सूप बनाते हैं, उसके अंदर जाके बैठते नहीं हैं। तो ये सवाल उठता है कि आप जाकर अपने खुद के सूप में, गर्म सूप में बैठे कैसे। ये है ना, सिटिंग इन अ सूप जो है, दैट इज एक्चुअली एन इंग्लिश मुहावरा है, ठीक है। तो उसमें व्हेन समबडी गेट्स इन अ सूप, ठीक है, गेट्स इन अ सूप का मतलब है कि वो उनके लाइफ में बड़ा कांड हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है या बहुत तकलीफ में है वो लोग, दे क्रिएटेड अ बिग मेस एंड दे आर इन द मिडल ऑफ इट, चक्रव्यूह में फंसना, ठीक है, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड इन द सूप। तो जब भी आप चक्रव्यूह में फंसते हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि दुनिया के लोग आएंगे आपको चक्रव्यूह से बचाने के लिए। When you are in a mess or in the soup, don't expect everyone to join you. सब आकर के आपके साथ फंसते नहीं वाले हैं। तो आप इस यकीन से बिल्कुल, जब कोई कहता है आपसे कि अरे आई मैं तुम्हारे जान दे दूंगा, तो आप अपने माइंड में ये अपने आप को यकीन दिला दीजिए कि ये अभी इस वक्त के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वी विल इक्वली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आप अपने को यकीन दिला दीजिए, इट इज़ ओनली अ हाफ ट्रूथ। मैं ये नहीं बोल रही कि झूठ बोल रहे हैं, पर उनको नहीं पता है कि लाइफ के प्रायोरिटीज़ में मैं किसी के लिए जान दे दूंगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। तो आप उन लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए जिन्होंने आपसे कहा कि यार मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, इनको ज़रूर बताइए, नहीं भाई तूने ऐसा बोला तो होगा बट आई डोंट रियली बिलीव यू कम्प्लीटली, डोंट वरी अबाउट इट, मैं भी तेरे लिए जान नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए जहाँ पर आप डिस्कवर करेंगे कि लोग कह रहे हैं जब कि वो आपके लिए जान दे देंगे, वो हकीकत नहीं है, वो जो रियलाइजेशन होगा आपके लाइफ में, उस चीज़ के लिए मेरी तरफ से विजयी भव, लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर बटन।